भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक प्रबंधक अमित कुमार ने जनपद स्तर के बैंक अधिकारियों व सीएफएल के साथ मिलकर छपारा क्षेत्र के ग्राम कासिमपुरा में ग्रामीणों को वित्तीय साक्षर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ये प्रोग्राम था, ये क्या प्रोग्राम था और किस तरह का प्रोग्राम था? भारतीय रिजर्व बैंक 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाता है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष हमारा फरवरी 13 से 17 तक हम वित्तीय साक्षरता सप्ताह मना रहे हैं। और इस वर्ष हमारे वित्तीय साक्षरता सप्ताह का थीम है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। इसी के अंतर्गत आज हमने मुजफ्फरनगर जिले के काशिमपुर गांव में लगभग 40 से 50 लोगों को साक्षर किया, एक कैंप ऑर्गेनाइज करके, जिसमें पीएनबी के छपार ब्रांच के सहायक प्रबंधक थे, हमारे मुजफ्फरनगर जिले के एफएलसी हमारे साथ थे और सीएफएल कृषल से भी अधिकारी हमारे साथ थे। तो क्या क्या जानकारी दी गई इसमें आज लोगों को? इसमें हमने लोगों को बेसिक बैंकिंग जो हमारा थीम है इस वर्ष का, उसके बारे में बताया कि उन्हें कैसे अपने वित्तीय बर्ताव को ठीक करना है ताकि भविष्य में उनका वो बचाव कर पाए। क्या इन कैंपों का लाभ पहुंच रहा है लोगों को? हाँ बिल्कुल, लोग काफ़ी पहले से ही सक्रिय हैं और जो उनकी कुछ दुविधाएँ थी वो हमने दूर की और उनको बेसिक बैंकिंग की जानकारी दी। हमारे समाज में ज़्यादातर क्या होता है, एक कमाने वाला और उसके पीछे सात खाने वाले हैं, है ना? ज़्यादातर परिवारों में यही हाल है कि एक ही कमाने वाला होता है। तो उसके लिए क्या चाहती है सरकार कि अगर उस एक को कुछ हो जाए तो उसके पीछे उसके परिवार एकदम सड़क पर ना आए। तो उसके लिए क्या है, सामाजिक सुरक्षा सबसे पहले आती है। इसमें सामाजिक सुरक्षा में बीमे आते हैं। बीमा ज़रूरी है या नहीं है? सभी चीज़ों का बीमा हो सकता है। जैसे इस दौरान सीएफएल के सेंटर मैनेजर श्रीमती शीजा खानम, पीएनबी के वित्तीय साक्षरता सलाहकार अनिल गर्ग, पीएनबी के छपार ब्रांच मैनेजर विपिन कुमार मौर्य, डिप्टी मैनेजर पीएनबी हेमंत त्यागी आदि ने भी ग्रामीणों को संबोधित किया और उन्हें बचत व निवेश करने के तरीके बताए। मुजफ्फरनगर से जनवाणी न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा गुलजार बेग की रिपोर्ट।